डे ऑफ में मेरा वीकेंड था, छुट्टी थी, और एक दोस्त है जो क्रू ट्रेनर है, तो उसके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई है। बांग्लादेश का है, तो वो जनाब तो उसके हाथ जल गया था स्टीमर के साथ, तो इसलिए वो छुट्टी में था। तो मैं कहा क्यों ना उसका हाल चाल पूछ लें, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, मेरा हक बनता है सबका हाल चाल पूछना। तो जब उसके कमरे में आया तो पता लगा वो जनाब आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता प्रॉन्स को झींगे कहते हैं कि झींगे और होते हैं, लेकिन इतना पता है कि प्रॉन्स बना रहे हैं साथ चावल। ना मेरा एक दोस्त बना रहा है झींगे, और ये प्याज कट है, मिर्च कटी है, ये क्या है, ये राइस है ना। मसाले वगैरह हैं, और देखते हैं कि जनाब कैसे बनाते हैं। साफ डाल जाएगा ना इसमें, वो भी राइस है ना, मेरा कहने का चिंगी होता है, चिंगी चिंगी हम झींगे झींगे बोलते हैं हम झींगे। बस बस हो गया ना, हो गया थोड़ा, हो गया इस तरह। अच्छा नहीं लगता मेरे? अच्छा सही है, मसाला ज्यादा डाला है ये बड़ा। उसको खाते कैसे हो तुम लोग? घंटा तो छीलने पे लग जाता होगा। ऐसे खाना है भी क्यों, ये छीलता है नहीं, ये भी सारा खाऊं आप उसमें आ जाए ना, ये आ जाए। बहुत अच्छा है, चिकन की तरह का टेस्ट है। टाइम टेस्ट किया है जी ऐसे, वरना मैं फ्राई करके खाता था, ऐसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया भाई ने जनाब। फर्स्ट टाइम पता नहीं झींगा बोलते हैं कि उसको प्रॉन्स टेस्ट किया है मैंने। सालन बनाया था बांग्लादेशी ने, दोस्त ने, तो मैं तो कोड़ा घुट भर के मैं कहा ट्राई तो करें ना कैसा लगता है। खाना ना खाना बात की बातें हैं, चावल के साथ खाते हैं ये लोग, मुझसे तो वो ऊपर वाले छिलका ही नहीं उतरा खाना क्या था। मैंने हल्का टेस्ट किया, चिकन जैसा टेस्ट था लेकिन अच्छा था। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, मैं बस पहुंच गया हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।